बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसों में गुटखे और शराब के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिमला में हुई डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एचआरटीसी की बीओडी में यह फैसला लिया गया है। साथ ही किसानों की सब्जियों और दूध के जो बसों में ले जाने का किराया होता है वो भी नहीं लगेगा, ये भी बीओडी की जो बैठक है उसमें निर्णय लिया गया। इसे लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि एचआरटीसी की बसों में शराब और गुटखे के विज्ञापन न लगाने का बीओडी ने निर्णय लिया है। इसके पीछे की मंशा नशे के बढ़ते प्रचलन को खत्म करना, साथ ही किसानों को दूध और सब्जी ले जाने में बसों में छूट दी गई है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। पॉलिसी को रिलैक्स किया है और जो हमारे गांव के लोग जो दूध लेके आते हैं या सब्जियां लेके आते हैं उनको हमने छूट दी है कि वो हमारी बसेस को जो है इस्तेमाल कर सकें। इसके बारे में लोग लगातार हमारे साथ बात कर रहे थे क्योंकि हम वेलफेयर के कंसेप्ट से एचआरटीसी को चलाते हैं और उसके अलावा हमने एचआरटीसी के जो बसों पे गुटके के विज्ञापन हैं और शराब के विज्ञापन हैं इनको हटाने के निर्देश दिए हैं। ये जो हमारे से आने से पहले का कॉन्ट्रैक्ट था और उसमें जो है ये सब अलाउड था तो हमारी काफ़ी बसों पे ऐसे विज्ञापन हैं जो कि जनहित में नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि हम कोई भी कैरियर बने, हम उसका हिस्सा बने। तो आज हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये फैसला किया कि उनको वहाँ से हटा दिया जाए और उसके बाद आपको ये मालूम है कि हमारी बसेस जो हैं जो उसमें जो कार्ड्स का था कौन कौन से कार्ड हैं जी? सर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूपीआई एंड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ये हम बहुत सक्सेसफुली इनको चलाने में कामयाब हो गए हैं। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री और देश में हम पहला राज्य हैं जिसने इसमें सफलता हासिल की है। तो हमने बोर्ड के जो ये कदम बोर्ड ने उठाए हैं, हम ये जो हमारे एचआरटीसी ने उठाए हैं उसको बोर्ड ने अप्रिशिएट किया है कि वो डिजिटल युग में प्रवेश में जहां वो ये गए कार्ड्स को सक्सेसफुली कर पाए हैं वहीं पे जो है साथ लगते बसों की जो इलेक्ट्रिक बसों की जो खरीद की प्रक्रिया में आगे जो बढ़े हैं तो जो इन्होंने काम किया है उसको भी बोर्ड ने अप्रिशिएट किया है। और पेपर लीक हो गया था उसको हम उसके